नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी के पीलीभीत जनपद के 128 बड़खेड़ा विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक स्वामी प्रसाद प्रवक्ता नंद ने स्वामी प्रसाद मौर्य की नसीहत देते हुए कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस डाल पर बैठे हैं उसको काटने का प्रयास कर रहे हैं। रामचरितमानस ग्रंथ का उपयोग संपूर्ण मानस जाति के लिए हुआ है, ना कि किसी जाति विशेष के लिए। बीजेपी विधायक ने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य चौपाइयों का अध्ययन ठीक से करें तो उन्हें पता चलेगा कि संपूर्ण जगत को बांटने का प्रयास रामचरित के द्वारा नहीं किया गया है। रामचरित में सनातन परंपरा को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और गौरतलब है कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस के कुछ हिस्सों पर यह कहते हुए पाबंदी लगाई थी और मांग की गई थी कि इनमें समाज के एक बड़े तबके को जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर अपमान होता है, जिसको लेकर प्रदेश में उनके खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। सबसे पहले तो मैं स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी के नेता को कहना चाहूँगा कि श्री रामचरितमानस का अध्ययन ठीक से करें और जिन चौपाइयों को निचली जाति से जोड़कर वो अवध टिप्पणी के रूप में बता रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि श्री रामचरितमानस का उपयोग संपूर्ण मानव जाति के लिए हुआ है, ना ही किसी जाति विशेष के लिए हुआ है। जैसा कि उन्होंने दो चौपाइयों के बारे में कहा है, तो उन चौपाइयों के आगे भी और भी चौपाइयाँ लिखी हैं श्री तुलसीदास जी ने, उनका भी अध्ययन करें। जैसे शिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, या जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदऊँ सबके चरण पद सदा जोर जुग पान। शार्प शूटरों को शरण देने वाले और मिट्टी के तेल की कालाबाजारी करने और पोखर की जमीन पर अवैध कब्जा जैसे काले कारनामों पर आरोपित रहे अलीगढ़ के तहसील खैर के बसपा के पूर्व विधायक प्रमोद गौड़ ने अपनी और अपने बेटे पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिवाकर गौड़ की हत्या करने की और षड्यंत्र की आशंका जताई है। इतना ही नहीं, हत्या कराने के षड्यंत्र के आरोप में नगर पालिका खैर के पूर्व चेयरमैन संजीव अग्रवाल के साथ जेल अधीक्षक की संलिप्तता होने की आशंका भी जताई है। इसके चलते आज अलीगढ़ जेल अधीक्षक ने प्रमोद गौड़ द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए खंडन किया है। सामान्य रूप से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि जो हमारे पूर्व आदरणीय विधायक जी हैं, उनके द्वारा कुछ ऐसी बातें कही गई हैं कि जो जेल प्रशासन के ऊपर आरोपित किया जा रहा है कि कारागार में निरुद्ध चेयरमैन संजीव अग्रवाल को फैसिलिटेट किया जा रहा है, कारागार में उनके माध्यम से कुछ काम कराए जा रहे हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों को और जनता को और माननीय पूर्व विधायक जी को भी अवगत कराना चाहूँगा कि उनके लगाए गए आरोप असत्य एवं निराधार हैं। रही बात जैसा वो कह रहे हैं कि कारागार में एक टीन शीट बनवाया गया है जो चेयरमैन के द्वारा बनवाया गया है, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा यहाँ पे पन्नालाल चैरिटेबल ट्रस्ट है और अपराध निरोधक समिति के माध्यम से उस चीज़ का निर्माण कराया गया है। जेल में अपराधी संजीव अग्रवाल उर्फ बिंटू को खुली छूट दे रखी है। सुबह से ही उसे बैरक से निकाल लिया जाता है और वहाँ अपना पूरा दरबार लगाता है और पूरी तरह से चारों तरफ कहीं भी वो घूम सकता है। जेल में उसके द्वारा कुछ निर्माण कार्य भी कराया गया है, कुछ गर्म कपड़े भी बंटवाए गए हैं और ये सूचना दैनिक प्रावधान अखबार में छपी है विगत दिनों में, और उसमें साफ लिखा है कि चेयरमैन जेल में रहते हुए ही मानवता के कार्य कर रहा है। पूरी तरह से जेलर और ये सब लोग पैसे के बल पर बिके हुए हैं, राजनीतिक रूप से उस पर संरक्षण है। सांसद और विधायक अनूप मंत्री फिल्म पठान को लेकर लगातार चल रहे प्रदर्शन के बीच आज जिला अलीगढ़ के वांड्रा सिनेमा में फिल्म पठान प्रकाशित हुए हैं और जिसको लेकर पहले ही सिनेमाघर के संचालकों के द्वारा पुलिस से मदद मांगी गई थी, जिसको लेकर आज पुलिस भी अलर्ट नजर आई है। आपको बता दें कि पठान मूवी को लेकर दर्जन भर से ज्यादा हिंदू संगठनों के द्वारा फिल्म का विरोध किया जा रहा है और जिसके द्वारा सिनेमाघर के संचालकों को भी खुलेआम अल्टीमेटम दिया गया था। ये
पठान फिल्म को लेकर के कुछ व्यक्तियों द्वारा जो है वो आपत्ति प्रकट की गई थी, उनसे स्पेसिफिकली हम लोगों द्वारा बात भी कर ली गई है, बातचीत में उनको समझाया भी गया और CBFC के द्वारा जो प्रमाण पत्र दिया गया है और उनको भी दिखा दिया गया कि जो भी आपत्तिजनक सीन थे उन्हें मूवी से हटा दिया गया है। फिर भी हमने यहाँ पर पूरी पुलिस प्रबंध कर रखा है, यहाँ पर PAC इंस्पेक्टर और मैं स्वयं मौजूद हूँ, पूरी सुरक्षा व्यवस्था के लिए चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी गई, शांतिपूर्वक फिल्म देख लेते हैं। शो चालू हो चुका है, अभी मूवी बिल्कुल आराम से चल रही, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैडम सोहेल है जी, क्या कहाँ पर आए हो आप? मैं आया हूँ वाड्रा हॉल मूवी देखने के लिए, मूवी देखने के लिए आया पठान। पठान जी, जैसा विरोध हो रहा है पठान फिल्म का जी, उससे आप कैसा रिस्पॉन्स देना चाहते हैं? क्या विरोध क्या भाई, हट जब बड़ी मूवी चलती है तो कोई ना कोई होता ही है विरोध। लाल सिंह चड्ढा पे हुआ, बायकॉट कर दी, क्या फायदा हुआ, अब मूवी अच्छी बनी है देखो जाकर। अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है और इस दौरान दो पक्षों में लाठी डंडे भी चले हैं। वहीं इस मामले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनको CHC काम्यगंज में भर्ती कराया गया है, लेकिन 3ों की हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने जिला अस्पताल लोहिया रेफर कर दिया है। अब खबर मथुरा से है, जहां पर थाना जैत के अंतर्गत गांव बांटी में 14 वर्ष नाबालिग लड़की को उनके पड़ोसी संजय के बेटे द्वारा बहला फुसला कर ले जाया गया, जिसको लेकर झांसी रिपोर्ट थाना जैत में दर्ज कराई गई, पर अभी तक पुलिस ने अपराधी को नहीं पकड़ा है। अब मथुरा पुलिस बता दें कि पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र पांडे के पास दर्जन भर लोग पहुंचे हैं और इस दौरान वे न्याय की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ कम से कम 2 ट्रैक्टर भर के आए हैं और हमारी बच्ची को एक पड़ोसी जाति पुजारी से ले गया है, उनका नाम है अमरचंद, उसके पिताजी का नाम, और 2 लोग पकड़ के ले गए, वो साथ साथ छोड़ दिए, आज तक कोई सुनाई नहीं, ले दे के सारा काम, ऐसा क्यों हो रहा है? आपने कहाँ कहाँ शिकायत की? हमने चौकी लाल में की, चौकी थाना जैत में की, हमने सभी जगह और यहाँ कप्तान साहब के पास भी हमने शिकायत किया। दूसरा अब आए हम लोग, पहले भी हम 60 लोग आए लेकिन अभी तक कोई सुनाई नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? तो हम तो ये शासन प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि हमारी जरा इसमें कार्रवाई की जाए, और हम तो ये गरीब लोग हैं, हमारा परिवार पूरा गरीब लोग है, मजदूर। कितना समय हो गया इसका? 13वां दिन आए लड़की को। फर्रुखाबाद में बिना मौसम के बारिश हो रही है, जिसके बाद से बरसात को लेकर किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश के किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। किसानों का कहना है कि उन्होंने बड़ी संख्या में खेतों में आलू की फसल बोई थी और इस दौरान ओले गिरने से किसानों का भारी नुकसान हुआ है। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के 2 वायरल वीडियो ने इन दिनों खासी चर्चा हो रही है। इस दौरान एक वीडियो को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। पूरे मामले को बता दें आपको कि डुमरियागंज से चंद्रदीप घाट को जोड़ने वाली सड़क के मध्य बन रहे पुल का है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरीके से पुराने निर्मित पुल के खड़े खंभे को गिराए बिना ही उसके ऊपर दीवार बनाई जा रही है, जिसकी पुष्टि वहां का काम कर रहे राजमिस्त्री कर रहे हैं। ठेकेदार द्वारा नियमों का दरकिनार कर बिना बता दें कि इस पुल का वीडियो बीते कल सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा था कि यूपी की BJP सरकार अपने बेमाइंदों को भ्रष्टाचार की ईंटों से छुपा रही है। वहीं डुमरियागंज चंद्रदीप मार्ग पर नए पुल के नाम पर पुराने पुल के खंभा को हटाए बिना ही उसके ऊपर पुल बना रहा है और ये जनता के जीवन के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान जनता को खतरे में भी डाला जा रहा है, जो काफ़ी निंदनीय है और इस दौरान निंदनीय होने के साथ साथ इस मामले को लेकर काम के ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आ रही है। मामला यह है कि चंद्रदीप घाट पर एक ब्रिज का निर्माण होना है और निर्माण में वो नया पुल बनना है, तो नया पुल बनाने के क्रम में उसको तोड़कर, जो अभी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसको तोड़कर नया बनाया जाना है, परंतु जो पुरानी दीवार थी उस दीवार को बिना तोड़े उसी के साथ, क्योंकि वो मजबूत दिख रही थी तो
उन लोगों ने समझा कि इसके साथ जोड़ के इस पर काम किया जा सकता है, परंतु जैसे ही संज्ञान में आया है मामला, एक सी एन पी डब्ल्यू डी को वहाँ भेजा गया और वो भेजकर जो हमारा डी पी आर है और जो डिजाइन है उस डिजाइन के हिसाब से वहाँ बनाया जाना सुनिश्चित करा रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य जो जनता की गाढ़ी कमाई है, उस गाढ़ी कमाई को जो टैक्स के माध्यम से सरकार लेती है, और उत्तर प्रदेश की सरकार हमेशा ये कहती है कि उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार मुक्त। मैं कल जा रहा था, रास्ते में डुमरिया से चंद्रदीप घाट जो मार्ग पड़ता है मार्ग, उस पर एक पुल बन रहा था। उस पुल को पुरानी बेड पे और पुरानी दीवार पे छत लादने जा रहे थे। मैंने उसका विरोध किया और मैंने अधिकारियों से उसकी गुहार लगाई, मैंने अधिकारियों के संज्ञान में लाया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के संज्ञान में मैं लाया। उन्होंने भी अधिकारियों से वार्ता किया और वो अपने ट्विटर हैंडल से, अपने फेसबुक अकाउंट से उन्होंने लगाया। अब खबर मथुरा से है, जहां पर एक दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने चौकीदार डीएम को बता दी कि कार्यालय पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है। कहा है कि हमें मानदेय बहुत कम मिल रहा है, 2400 रुपए में हमारे परिवार का पालन पोषण नहीं होता है और 24 घंटे गांव की रखवाली और थाने चौकी की रखवाली करनी पड़ती है। कम से कम हमें 18,000 रुपए महीने मिलना चाहिए, तब हमारा घर खर्चा चल पाएगा। मांग को लेकर के आए हैं, क्योंकि इस महंगाई के ज़माने में हमें वेतन की जगह पे केवल 2500 रुपया महीना मिलता है और थानों में हाजिरी देते हैं हम लोग, गांव में 24 घंटे हमारी ड्यूटी रहती है और हम कहीं पे कोई काम भी नहीं कर पाते हैं, केवल इस चौकीदारी के भरोसे ही अपना जो है। तो अभी क्या वेतन मिल रहा है आपको? अभी 2500 रुपया महीना मिलता है हमको। अच्छा जी, तो कितना चाहते हैं आप लोग? हम लोगों को सम्मानजनक वेतन 18,000 रुपया महीना कम से कम होना चाहिए। अभी आपको केवल 2500 रुपये मिलते हैं? जी, 2500 रुपया महीना रहती है आपकी? हमारी 24 घंटे की ड्यूटी गांव में रहती है और थानों में 8 घंटे की ड्यूटी लगती है। हरदोई के कोतवाली देहांत इलाके में काशीराम कॉलोनी में एक युवक की प्रेम प्रसंग के पिटाई की गई है, फिर 3 मंजिला भवन से नीचे फेंक दिया गया है, जिसके चलते उसकी मौत हो गई है। एएसपी अनिल कुमार यादव ने बताया है कि परिजनों ने मारपीट कर धक्का देने का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की विधिक कार्रवाई करने में जुटी हुई है। थाना लोनार क्षेत्र के श्यापुर विधायक निवासी 30 वर्षीय अनंत श्रीवास्तव के 30 साल के बेटे विजय श्रीवास्तव काशीराम कॉलोनी कोतवाली देहांत में रहते थे और अपने भाई अभिलाष के साथ ही दिल्ली में रहकर प्राइवेट नौकरी करते थे। अभिलाष के 26 जनवरी को लखनऊ में बारात जानी है और इस सिलसिले में दोनों भाई 23 को आए थे और बताया जाता है कि बीते रात करीब 12 बजे ब्लॉक के 17 से एक साथी ने फोन करके अनंत को बुलाया था और इसी बीच जब अभिलाष पहुंचा तो उसने देखा कि उसका भाई जमीन पर मुंह के बल पड़ा हुआ है। उसे लेकर परिजन जिला अस्पताल पहुंचे जहां उसकी मौत हो गई थी। आरोप है कि उसके भाई को मारपीट कर 3 मंजिला भवन से धक्का देकर गिराया गया है। थाना कोतवाली देहात मामला है, अभिलाष निवासी काशीराम कॉलोनी, इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है कि उनका भाई आनंद, जिसकी उम्र लगभग 30 साल है, या पड़ोस में एक लड़की से पिछले कई सालों से उसका प्रेम संबंध चल रहा था, रात में वो उस लड़की द्वारा उनको फ़ोन से बुलाया गया और जब घर पहुंचने पर परिजनों द्वारा उनके साथ मारपीट की गई और उनको धक्का देकर के नीचे गिरा दिया, जहां उनको अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस से सूचना मिली, पुलिस मौके पहुँची है, शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जो भी तहरीर परिजनों द्वारा दी जाएगी उसके आधार पर औसमिति कार्रवाई की जाएगी। पठान फिल्म का विरोध पूरे देश में चल रहा है, इसी बीच आज देश के साथ ही पूरे यूपी में फिल्म रिलीज हुई है। हालांकि फिल्म रिलीज होने के पहले ही उन सिनेमा हॉलों के संचालकों को हिंदुवादी संगठनों के विरोध देखते हुए पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई थी। उन्हें अंदेशा था कि फिल्म चलने के दौरान हिंदुवादी संगठन द्वारा बवाल किया जा सकता है। गोरखपुर के जितने भी सिनेमा हॉलों में पठान फिल्म की मूवी रिलीज हुई है, वहाँ
पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से पहले ही तैनात किया गया था। विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने इस फिल्म का विरोध करने का ऐलान किया था और माया कॉम्प्लेक्स के बाहर इकट्ठा होकर फिल्म का विरोध करते हुए भी नजर आए, लेकिन पुलिस पहले ही वहां मौजूद थी। उन्होंने हिंदूवादी संगठनों को वहां पर खदेड़ कर बाहर कर दिया। इस दौरान पठान मूवी के पोस्टर पर काली पोतने की कोशिश भी की गई, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया। फिल्म देखकर बाहर लौट रहे दर्शकों में इस फिल्म को बेहतरीन बताया है, वही इसका विरोध बेवजह ही किया जा रहा है, उनका यह कहना था। इस दौरान बता दें कि हिंदू महासभा के लोगों ने सिनेमा हॉल में बाहर हनुमान चालीसा पढ़ा और लोगों से फिल्म नहीं देखने की अपील की है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर सिद्धि लोक सागर, राम दूत अनुकल नामा, अंजनी पुत्र कुंभ नामा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति संगी, कंचन भरण विराज स्वेता कानन कुंडल कुंजितंदन लाए संजीव लगन जावे रब की नी बहुत बड़ाई तुम अपनी भरत भाई साहब भरत पुत्र जसा में ऐसे कई वचन में लगावे संत धर्म मान। और बता दें कि पठान फिल्म को लेकर लगातार विरोध देखने को मिल रहा है, पूरे देश में इसको लेकर विरोध है। ये गोरखपुर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां पर लगातार इसका विरोध करते हुए हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता वहां पर दिखे हैं और इस दौरान वे हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आए हैं। बता दें कि इस फिल्म को लेकर लगातार विरोध देखने को मिल रहा है, कभी दीपिका के कपड़ों को लेकर इसको लेकर विरोध करते हुए लोग नजर आते हैं, तो कभी इस फिल्म को लेकर तमाम चीज़ों को लेकर विरोध करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस फिल्म को लेकर वहाँ से जो दर्शक निकल रहे थे फिल्म मूवी देखकर, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि इस फिल्म को लेकर बेवजह ही विरोध किया जा रहा है, यह फिल्म काफ़ी अच्छी है, लोगों को इस फिल्म को देखनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से इस फिल्म को लेकर विरोध प्रदर्शन हिंदूवादी संगठनों की तरफ से देखा जा रहा है, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि इस फिल्म को लेकर वो लोगों से अपील करते हुए नजर आए हैं कि इस फिल्म को आप ना देखें और साथ ही हनुमान चालीसा का भी पाठ करते हुए नजर आए हैं। बता दें कि पठान फिल्म को लेकर आज पठान फिल्म रिलीज हुई है और इसको लेकर लगातार पूरे देश में एक तरह से पुलिस भी सख्त नजर आई, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर जो कार्यकर्ता थे उन्होंने जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने, और इसको लेकर एक डर का माहौल भी बना हुआ था। जो संचालक थे मूवी हॉल के, उनका ये साफ तौर पर कहना था कि वहाँ जो लोग देखने आएंगे मूवी उसको लेकर ही प्रशासन की व्यवस्था होनी चाहिए, और इस दौरान प्रशासन जगह जगह पर मौजूद रही, काफ़ी सख्ती के साथ इस फिल्म में लोगों को एंट्री देते हुए प्रशासन नजर आई। और जिस तरीके से यहाँ पर गोरखपुर में हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया, तो प्रशासन ने उनसे बातचीत करके उन्हें वहाँ से किसी तरह हटाया है। वही हिंदूवादी संगठनों के नेताओं का ये कहना था कि इस फिल्म को ना देखने की उन्होंने अपील की है और साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी किया है। मथुरा में डीएम ने किशोरी रमन गर्ल्स कॉलेज में राष्ट्रीय मानवता दिवस मनाया है और मथुरा वासियों को मतदाता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दी है। इस दौरान मथुरा डीएम पुलकित ने मतदाताओं को सम्मानित किया है और इस दौरान मथुरा वासियों से अपील की है, प्राथमिक विद्यालय में जाकर अपने क्षेत्र के BLO के पास जाकर अपने नाम के चेक कर लेने की बात उन्होंने कही है, साथ ही यदि नहीं है तो वहाँ युवा मतदाता सूची नाम दर्ज कराने मतदाताओं को बड़ा योगदान रहता है, जैसे कि नगर निगम चुनाव में क्षेत्र में विधानसभा चुनाव को पंचायत चुनाव और ग्राम पंचायत चुनाव में मतदाता बड़ी भागीदारी होती है। और फिर एक बार अवार्ड दिया जा रहा है बहुत अच्छे निर्वाचन प्रबंधन के लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में हम इस दिन को मनाते हैं और ये दिन हर साल हमें याद दिलाता है कि एक लोकतंत्र में हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। एक अच्छे नागरिक के रूप में हम लोग कोई भी चुनाव हो, चाहे वो नगरीय निकाय का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का या लोकसभा का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, उसमें एक अच्छे नागरिक की तरह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जाके जिस भी उम्मीदवार को सही समझें उसके लिए वोट जरूर करें।
क्योंकि एक लोकतंत्र में है असली शक्ति नागरिक के हाथों में है और वही नागरिक भाग्य विधाता होता है। तो आज का दिन हमें इस बारे में संकल्पित करता है, आज हम जो हमारे नए मतदाता हैं उनको सम्मानित करेंगे, उनको प्रेरित करेंगे है। कई कार्यक्रम हर तहसीलों में आज इसी के लिए कराए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों पर पलीता लगाते हुए ग्राम प्रधान दिख रहे हैं। पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए गरीब लाभार्थियों के पैसा ग्राम प्रधान मांगते हैं। वहीं ग्रामीणों ने प्रधान पर आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर पैसा मांगने का आरोप लगाया है। 10,000 रुपए मांगते हुए ग्राम प्रधान और लाभार्थियों को ऑडियो भी वायरल हो रहा है। पूरा मामला जिले के गैसडी विकास खंड के गाँव केठर का बताया जा रहा है। बलरामपुर जिले के विकास खंड श्रीदत्तगंज के रामपुर बन्नाहा प्राथमिक विद्यालय में मामला सामने आया है, जहां पर जिले में बेसिक शिक्षा व्यवस्था राम भरोसे ही चलती है। साफ तौर पर यह दिखाई दे रही है। बता दें कि सालों से परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षकाए नौकरी से गायब है। वहीं प्राथमिक विद्यालय रामपुर बन्नाहा राम भरोसे चल रही है। सालों से यहां तैनात दो शिक्षक विद्यालय से नदारद है। शिक्षा मित्र और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के सहारे ही विद्यालय चल रहा है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। नमस्कार।